और जैसा कि मैंने कहा था कि इन दिनों में जो ख़ास तवज्जो पैदा हुई हुई है उसे अब कायम रखें और ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी हुकूकुल्ला और हुकूकुलिबाद की अदायगी की तरफ तवज्जो दिलाएँ, क्योंकि दुनिया की तबाही के बाद खुदा ताला की तरफ जब दुनिया की नज़र होगी तवज्जो होगी, हकूक़ की अदायगी की तरफ जब नज़र होगी तो फिर लोग जमात की तरफ ही देखेंगे, फिर अहमदी ही होंगे जो दुनिया की सही रहनुमाई कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले हमें दर्द के साथ ये दुआ करनी चाहिए कि वो नौबत ही ना आए जब दुनिया इस हद तक आगे चली जाए कि वहाँ से रोशनी और अमन की तरफ आने के रास्ते ही बंद हो जाएं, उससे पहले ही लोगों की नज़र इस तरफ फिर जाए। बस हमें दुआओं के साथ अपने नमूने भी दिखाने की ज़रूरत है, दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि एक दूसरे के हक अदा करके ही तुम अल्लाह ताला के रहम को हासिल कर सकते हो। और खुदा ताला जो वाहिद खुदा है, उसका रहम हासिल किए बगैर ना दुनिया में अमन कायम करने के लिए हमारी कोशिश कामयाब हो सकती है और ना मरने के बाद अंजाम बखैर हो सकता है।